नमस्कार दोस्तों, तूफानी पहाड़ी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आपके इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटी के लेक्चर से, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, राजनीति। तो दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आप अगर कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इवन वो यूपीएससी के पेपर के लिए भी अगर आप देखते हो तो लगातार हर पेपर में ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल जो है वो पॉलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली पॉलिटी से नहीं पूछ जाते तो कहीं ना कहीं पे वो पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो पहला लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली फोकस कर रहा है दोस्तों आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, आप यहाँ पे चीज़ देखने जाने के पार्ट 1। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि इंडिया आज़ाद तो 47 में हुआ, यानी कि 1947 में हुआ, और संविधान भी हमारा उसके बाद बना। बट कहीं ना कहीं पे जब ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था तो वो ऐसे ही रूल तो नहीं कर रहा था, किसी ना किसी एक्ट के अंडर ही वो हम पे रूल कर रहा था। तो दोस्तों, जो ये पार्ट 1 है, इसका कहने का हमारा मकसद ये है, यहाँ पे बताने का मकसद है कि ये उन एक्ट्स की बात करेगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं ना कहीं पर रूल चल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे यहाँ पर रूल कर रही थी। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में बनी थी और वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर बनी थी। बट हमें पता है दोस्तों, जब फ्रेंच के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ लड़ाइयाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्नेटिक वॉर्स जो हैं, वो लड़ी गई। बट अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पॉलिटी की बात करूँगा दोस्तों, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों 1764 की बक्सर की लड़ाई। अब दोस्तों, आपने मुझे ये बताना है कि बक्सर की लड़ाई में भारत की तरफ से कौन कौन लड़ा। वैसे तो इसका जवाब आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाएगा दोस्तों। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है दोस्तों। तो बक्सर में दोस्तों 3 राजा लड़ती हैं, एक तो अवध के राजा, बंगाल के राजा और मुगलों के राजा, तीनों इकट्ठे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती हैं। अगर इसको भी थोड़ा सा और हिस्टोरिकली पीछे बात करूँ दोस्तों, तो हमें पता है 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और दोस्तों उसी के ही मद्देनज़र रखते हुए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। अब दोस्तों, जब बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है तो बंगाल की तरफ से दोस्तों कौन लड़ती हैं, वही जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। तो बंगाल की तरफ से लड़ते हैं दोस्तों मीर कासिम, अवध की तरफ से लड़ते हैं दोस्तों शुजाउद्दौला, और दोस्तों मुगल राजा का नाम था शाह आलम सेकेंड, यानी कि शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों दोस्तों जो राजा होते हैं वो कहीं ना कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ती हैं, यानी कि अगर दोस्तों बात की जाए शाह आलम, फिर दोस्तों मीर कासिम, दोस्तों माफ करना भाई राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है आपको, और दोस्तों तीसरे आते हैं आपके शुजाउद्दौला। तो इन तीनों को ही ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। अब दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस करिए, हम लोग जनरली हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि 1857 में मुगलों के राजा थे बहादुर शाह जफर, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शाह आलम सेकंड जो कि मुगलों के राजा थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में ही हरा दिया। अब दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे करती क्या है, बजाय के वो डायरेक्ट रूल करती, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगलों के राजा को अपना पेंशनर बना लेगी दोस्तों, यानी कि उनको पेंशन देना स्टार्ट करेगी। और दोस्तों दूसरी चीज़ क्या होती है, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तो मुगल राजा से दीवानी राइट्स मांग लेती है। तो दोस्तों दीवानी राइट्स जो हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। अब इस दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस दीवानी राइट्स का मतलब होता है दोस्तों कि आज से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो कौन इकट्ठा करेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी। और दोस्तों जो बंगाल के राजा हैं वो कंपनी को निज़ाम सूबेदार, यानी कि निज़ाम सूबेदार अपॉइंट करने के बारे में बोलते थे कि ठीक है आप निज़ाम सूबेदार को अपॉइंट कर लो। और दोस्तों अवध के राजा जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ये बात बोलती थी कि अगर आपको किसी भी राजा ने आप पे हमला किया तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि हम आपको अपनी फोर्स देंगे जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि एक अनऑफिशियल तरह का सब्सिडरी अलायंस जो है उनमें आपस में आके शेयर हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ होता किसके अंडर है, ये सब कुछ दोस्तों हुआ ट्रीटी ऑफ
अलाहाबाद के अंदर। तो दोस्तों ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के अंडर जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे ही एक टर्म निकल कर रहे जिसको आप बोलते हो डुअल गवर्नमेंट, यानी कि द्विपक्षीय सरकार। तो डुअल गवर्नमेंट दोस्तों स्टार्ट उसका मतलब क्या है, एक तरफ से तो कंपनी को दीवाने राइट्स दिए गए सॉरी, और दूसरी तरफ से दोस्तों निज़ाम सूबेदार को भी अपॉइंट करने का अधिकार मिल गया कंपनी को सॉरी दोस्तों। अब अगर दोस्तों मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं कि असल में ये चीज़ थी क्या। अब दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आज के टाइम पे आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई भी अधिकारी आपके घर आ जाता है और वो आके आपसे मारपीट करना शुरू कर देता है, तो आप दोस्तों किसके पास जाओगे कंप्लेंट करने के लिए? आप जाओगे पुलिस के पास। अब अगर आपको पता चलता है कि वो पुलिस वाला और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो आप मन में क्या बोलते हो कि हमारी तो कभी सुनवाई ही नहीं होगी। तो यही चीज़ दोस्तों वहाँ पे होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दीवानी राइट्स इकट्ठा कर रही होती है और वो लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर रही है, यानी कि बहुत फोर्सफुली वो वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। जब लोग कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं सूबेदार के पास, तो सूबेदार भी उनकी कंप्लेंट पे ज़्यादा गौर नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सूबेदार गौर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सूबेदार को भी अपॉइंट कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है उसको भी अपॉइंट कर रही है। तो दोस्तों ये तो था हिस्टोरिकली, यानी कि हिस्ट्री में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था पॉलिटी को शुरुआत करने। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे लिए कौन से एक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों एक तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, फिर हम पिट्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि 1857 से पहले जितने भी एक्ट हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब दोस्तों अगर इस एक्ट की बात की जाए तो ये एक पहला कदम यानी कि फर्स्ट स्टेप था जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने लिया टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उन्होंने किया क्या, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं उन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट। अब दोस्तों इसकी भी छोटी सी कहानी है, मैंने आपको बताया कि 1764 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है तो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेड करने के लिए भेजा गया था। अब पर वो वहाँ पर कर क्या रही है, पॉलिटिकल मैटर्स पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखा रही है। तो जब वो पॉलिटिकल मैटर्स पे इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखा रही है तो दोस्तों होगा क्या, ब्रिटेन पार्लियामेंट बोलेगी कि आपको किसी ना किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर देगी। अब दोस्तों इस एक्ट में क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट यानी कि जो उसकी मैं बात कर रहा था डुअल गवर्नमेंट की, उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया। और जो चीज़ यानी कि जो दीवानी राइट्स मिल रहे थे और जो निज़ाम सूबेदार को अपॉइंट करने के राइट्स मिले हुए थे उसको ख़त्म कर दिया। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक पोस्ट क्रिएट की गई, यानी कि एक गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के। और पहले गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, उनका नाम था वारन हेस्टिंग्स। अब दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से कि सर किस तरह से हम इनको याद करें। दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, WB यानी कि वेस्ट बंगाल। मैं पता है WB एक स्टेट है इंडिया में यानी कि वेस्ट बंगाल। अब आपने इसको याद कैसे करना है, वारन हेस्टिंग ऑफ बंगाल, वारन हेस्टिंग ऑफ बंगाल, यानी कि W से आप याद करोगे वारन हेस्टिंग और B से आप याद करोगे बंगाल, तो इजी टू रिमेंबर। अब दोस्तों जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उनके ही सबॉर्डिनेट बना दिए जाते हैं बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी। अब इससे पहले दोस्तों था क्या, BMC, जिसको याद करने का ट्रिक है BMC प्रेजिडेंसीज, बॉम्बे मद्रास और कैलकटा प्रेजिडेंसीज। तो तीनों ही प्रेजिडेंसीज जो थी दोस्तों वो बहुत ही अलग थी, यानी कि इंडिपेंडेंट थी अपने आप में। और अब 1773 में क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास को उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया, यानी कि अब वो उनके जूनियर बना लिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक एक्ट में और है दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, यानी कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकटा में।
और दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट बनता कहाँ पे है, ये बनता है दोस्तों फोर्ट विलियम्स। तो दोस्तों फोर्ट विलियम्स में जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है आपका एस्टेब्लिश किया जाता है 1774 में। अब दोस्तों अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे, तो टोटल 4 जज थे जिनमें से एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 ही अदर जज थे। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, सदर निजामत अदालत के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया बट उसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ अपील और बनाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, सदर निजामत अदालत। जैसे कि अगर मैं आज के टाइम पर बात की जाए तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट ऑफ अपील है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही सदर निजामत अदालत जो थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट लगा लीजिए, यानी कि कोर्ट ऑफ अपील बना दी गई थी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने क्या की थी ब्रिटेन ने, उन्होंने देखा कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो किसमें, एक तो प्राइवेट ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो चुके थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो प्राइवेटली ट्रेड कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर से ट्रेड करते थे और कमीशन ले लेके बहुत पैसा कमाते थे। और दूसरी चीज़ दोस्तों ब्राइबरी, यानी कि करप्ट, बहुत बड़े करप्ट थे। अगर मैं आपको करप्शन की एग्जांपल दूं तो एक आपको नाम याद होगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध में बहुत ही फेमस पर्सन थे यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, और दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा, एक हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी की हिस्ट्री में दिया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था एंड ही वॉज अमंग द रिचेस्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के वो ब्रिटेन में वापस गए थे। ये था दोस्तों 1773। अब आप देख रहे हो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे जो है ब्रिटेन उस पर रेगुलेशन लगानी स्टार्ट करी, यानी पे कैसे कैसे उस पर पाबंदियाँ लगानी स्टार्ट कर रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे अपने इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ा रही है। अब दोस्तों चलते हैं अगले एक्ट की तरफ जिसको हम लिखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बस दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक एक्ट और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। और इसके लिए दोस्तों आप इतना ही याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट लेके कौन आया था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। तो दोस्तों यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि 1773 एक्ट में कुछ खामियाँ थी जिनको लगा कि उन्हें लगा कि ठीक करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका है वो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इन्होंने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को आके अलग कर दिया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। कमर्शियल फंक्शन जो था वो कौन देख रहा था, उन्होंने बोला कमर्शियल फंक्शन देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या देखेगा दोस्तों, पॉलिटिकल फंक्शन, यानी कि एक बन गई कमर्शियल बॉडी और एक बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो तो देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 2 कैबिनेट मंत्रीज को भी बोला गया कि आप इसमें इंक्लूड किए जाओगे। देखो कितनी आराम से ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर रहा जबकि उसमें घुस ही जा रहा है, यानी कि उसका पार्ट ही बनी जा रहा है। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देगा और कमर्शियल फंक्शन देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब एक सीक्रेट कमेटी भी बनाई गई थी 3 लोगों की जो कि कंपनी के पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स पे ध्यान देगा, यानी कंपनी के पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स पे एक सीक्रेट कमेटी जो है 3 लोगों की वो ध्यान देगी। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि मद्रास और बॉम्बे के जो प्रेजिडेंसीज के गवर्नर थे उनको बोला गया कि कोई भी मैटर होगा तो आप बंगाल के गवर्नर जनरल का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले एक्ट में कि बॉम्बे मद्रास को सबॉर्डिनेट तो बना दिया गया था बंगाल के अंडर, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं पे जो भी एक्ट वो लेके आते थे सबॉर्डिनेट थे पर वो उनकी बात मान नहीं रहे थे। तो उसको बोला गया कि जो भी उन्होंने फैसला ले लिया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी फैसला लेगा वो बॉम्बे के गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। अब अगर दोस्तों मैं बोलूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पेपर में, एक तो हमें पता चल गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग कर दिए गए, पर दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं कि पहली बार इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन के नाम से जाना लेने का, यानी कि कंपनी की टेरिटरी को क्या बोला गया, दीज वर नोन एज दी ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और दूसरी चीज़ क्या की दोस्तों, अब हमने जिस बात को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है अब उसका काफ़ी ना कहीं हद तक सुप्रीम कंट्रोल हो चुका है कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ब्रिटेन जो है वो
ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, जबकि अब तो वो उसका मेंबर ही बन चुका है। अब चलते हैं दोस्तों अगले एक्ट के अंदर। तो दोस्तों बीच में एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। तो इस एक्ट में कुछ नहीं किया गया, इस एक्ट में सिर्फ सिंपल बात ये बोली गई थी कि जो गवर्नर जनरल हैं उनकी पावर को, सॉरी दोस्तों, तो जो गवर्नर जनरल है दोस्तों उनको बोला गया था कि उनकी पावर को ओवरराइड जो है अब नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दोस्तों अगले एक्ट की तरफ, 1793 के एक्ट की तरफ भी। दोस्तों इसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ एक तो कंपनी का जो ट्रेड था उसको 20 साल के लिए और कंपनी की मोनोपोली को बढ़ा देगा। बस दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखना कि जितने भी लॉज, जितने भी कानून बनाए गए उन सबको भारतीय भाषाओं में उनको ट्रांसलेट करने की शुरुआत कर दी गई थी 1793 में। अब दोस्तों आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसको आप बोला जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मोनोपोली थी कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो चाय के व्यापार को छोड़ के और दूसरा था दोस्तों चाइना के साथ व्यापार करने के, यानी कि टी और चाइना को छोड़ के, ट्रेड विद टी और चाइना के साथ ट्रेड करने को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी की मोनोपोली थी उन सबको ख़त्म कर देगा। अब कंपनी देख रहे दोस्तों काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव बन रही है, और हमने 1784 में क्या पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो कैबिनेट मंत्री हैं। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। फिर दोस्तों 1,00,000 रुपया सालाना रखा गया किसके लिए, सिर्फ एजुकेशन ऑफ इंडियंस के लिए, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ रखे गए फॉर दी एजुकेशन ऑफ इंडियंस। फिर दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है जो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए इंडिया में आते उनको बोला जाता है अब आप ओपनली आके क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रीच कर सकते हो। तो दोस्तों हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग होगी, यही कुछ कारण बनेंगे जो कि 1857 की रिवोल्ट को स्टार्ट करने का कहीं ना कहीं पे एक रीज़न ये भी था क्योंकि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रीच करवाना स्टार्ट कर दिया गया था 1813 एक्ट के बाद। अब दोस्तों चलते हैं अगले एक्ट की तरफ यानी कि 1833 का है। तो दोस्तों ये एक्ट भी बहुत ही बड़ा, मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, कंपनी की जो भी मोनोपोली थी उसको ख़त्म ही कर दिया गया, तो यानी कि कंपनी के पास अब कोई भी मोनोपोली नहीं है। अब देखिए किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इतनी पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी थी 1833 तक आते आते उसकी मोनोपोली ही ख़त्म हो गई। फिर दोस्तों एक और बॉडी बनाएगी जिसको आप बोलते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल बने कहाँ के, इंडिया के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई क्योंकि पूरी की पूरी टू पोजेस ओवर ब्रिटिश इन इंडिया। फिर दोस्तों जो अब देखो जब कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई है तो इसका मतलब कंपनी के पास ट्रेड करने के लिए ही कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या, कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो एक हिसाब से एंड हो गई और कंपनी अब से प्योरली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसी के अंडर ही काम करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है बिकॉज आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लॉ मेंबर की अपॉइंटमेंट जो है वो किस एक्ट के अंडर होती है, तो लॉ मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों 1833 के एक्ट के अंडर, और पहले लॉ मेंबर कौन बनते हैं, जनरल मैकॉले, यानी कि लॉर्ड जो मैकॉले हैं वो पहले लॉ मेंबर बन जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब कितने लोग हो चुके हैं दोस्तों, 4। फिर दोस्तों जो ये लॉ मेंबर बनते हैं तो फिर यहाँ पे एक लॉ कमीशन भी बनाई जाती है। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ जो है फादर ऑफ लॉ इन इंडिया जिसको बोला जाता है वो भी जनरल मैकॉले को ही बोला जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी जनरल मैकॉले को ही दोस्तों बोला जाता है। अब दोस्तों चलते हैं 1833 एक्ट के आगे। दोस्तों इस एक्ट में एक कुछ पॉइंट और हैं जो मैंने आपके लिए ढूंढे हैं दोस्तों, उसमें से दोस्तों एक फैक्ट याद रखना कि जो यहाँ पे आके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बन जाती हैं कहाँ की, आगरा और अवध की। अब दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस तो अफगानिस्तान सिंध वाला इलाका था, पर दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है,
कोलकाता यानी कि कैलकटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कैलकटा है। तो उसके अगर नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में देखा जाए तो वहाँ पे दो प्रोविंसेस जो आगरा और अवध थे उनको अलग किया गया था यहाँ, ना कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, क्योंकि अभी तक जो एंग्लो सिख वॉर्स हैं वो अभी तक हुई नहीं है। मैं पता है एंग्लो सिख वॉर्स जो हैं वो 1848 के आसपास जाके जो है वो स्टार्ट होंगे, और अभी तो हम लोग दोस्तों 1833 के एक्ट की बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो हम 1857 के बाद कॉमनली पढ़ती हैं वो वाला नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है वहाँ पे उसकी बात, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। फिर दोस्तों कंपनी ने एक कॉलेज बनाया जिसको बोला जाता है हेलियबरी कॉलेज, और ये कहाँ पे बनाया गया था, लंदन में बनाया गया था। अब दोस्तों चलते हैं अगले एक्ट की तरफ, यानी कि आज का आखिरी एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि अब कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, तो कंपनी की मोनोपोली तो खत्म हो चुकी है। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम एक लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा किसको, गवर्नर जनरल की काउंसिल को। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को बोला कि अब हमसे, अब क्योंकि रूल कौन कर रहा है, ब्रिटेन रूल कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी है, काम तो जो सारा कौन कर रहा है, ब्रिटेन ही कर रहा है। तो दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है क्योंकि अब उनका काम ही खत्म हो चुका है तो उनको भी कम कर दिया गया। अब वो कितने कर दिए गए, 18 कर दिए गए, कहाँ से, 24 से। फिर दोस्तों यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जॉब सिलेक्शन शुरू किया था, यानी कि ICS सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं जो है वो शुरू की जाती हैं। और अगर बात की जाए सबसे पहले ICS इंडिया के कौन थे, तो भारत के सबसे पहले ICS कौन बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले ICS बने थे इंडिया के। और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है दोस्तों, ये करवाती है मैकॉले कमेटी। तो मैकॉले कमेटी है वही एक सर्विस सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और ये करवाई कब जाती है, 1854 के द्वारा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पे जो भी आप देख रहे हो, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, हम बोलते हैं कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पर जबकि आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब सिर्फ ब्रिटेन ही है जो यहाँ पे रूल कर रहा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ही है दोस्तों जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रूल कर रही है। अब दोस्तों अगर कुछ चीज़ें और की जाए, तो पहली बार यहाँ पे दोस्तों अब क्या होगा, देखिए आप जितना भी देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत शुरू हो चुका है, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस होनी शुरू हो चुकी थी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कहीं ना कहीं पे थोड़े थोड़े इंडियंस को भी इन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों 1853 के एक्ट के बाद होगा क्या दोस्तों, अब 1857 का रिवोल्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और दोस्तों एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन, जो कि वैसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और ये आपको हेल्प भी बहुत करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप दोस्तों देखें तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ब्रिटेन जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, और जबकि अगर आप इस कहानी को समझो कि 1773 से ही ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व थी, और 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था दोस्तों वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, क्योंकि लोगों के लिए अभी भी रूल कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और अब आप देखोगे कि 1857 में जब रिवोल्ट होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ख़त्म कर दिया जाएगा, और 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन क्राउन जो है वो आके डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर देगी। और तभी 1858 को एक्ट को नाम क्या दिया गया था, इसको बोला जाता रहता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, मैं आशा करता हूँ कि जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे, आपको मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी को मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाऊँ, और ज़्यादा हम लोग कहानियाँ इंटरग्रेट करें, क्योंकि तो अगर आज के लेक्चर को आप एक कहानी की तरह सुनोगे और एक कहानी की तरह याद करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर याद भी होगा, और आपको फैक्ट भी दोस्तों जो है वो काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। फिर दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, तो कल फिर मिलूँगा दोस्तों इसके अगले पार्ट के साथ। अगर दोस्तों आपको कोई भी हमसे कंटेक्ट करना है, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो दोस्तों आप हमें ईमेल कर सकते हैं tufanipahadi19@gmail.com, और आप दोस्तों हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7814622609। तो दोस्तों बाय बाय।